जिस कर्ण को अगर जन्म दिया था फिर क्यों अपने आप से अलग किया? पहली कली के माध्यम से वो कर्ण बलि महारानी कुंती से क्या कहते बोला, फर्ज निभाया छाती से लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया, कितना दूध पिलाया, न प्यार करया बस एक यो लाड लडाया, मुझे देके जन्म हाँ देके जन्म मारने खातर क्यों गंगा बीज बहाया, गंगा बीज बहाया, नहीं हो, और अगर तुम मां थी तो इस बात का भेद तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे इस राज को छुपाने से जानती हो मैंने अपने जीवन को इस दुनिया में इस समाज के सामने कैसे जिया है, कैसे अपमानों से जिया है। दूसरी कली के माध्यम से क्या कहते बोला, हूँ तुझे मने माँ का प्यार नहीं देखा हो, माँ का प्यार नहीं देखा, जहाँ गया अपमान हुआ आदर सत्कार नहीं देखा, मेरी नीचे को रही नजर निहाठा के संसार नहीं देखा, के संसार नहीं देखा, जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मोल तोलना, हूं बेटे ये सच्चाई है, मैंने ही तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है। तो कर्ण बलि कहने लगते हैं कि ना तो तुम मेरी मां हो ना मैं तुम्हारा बेटा हूं, और तुम कह रही हो कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ करके पांडवों में मिल जाऊं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे से तेरे बेटों से मेरी क्या जग में असनाई, वो दुर्योधन है कुटुंब कर्ण का तू बाप समझ चाहे भाई, मेरे लिए तो जो भी कुछ है वो मेरा मित्र दुर्योधन है, ना पांडवों से मेरा मेल ना तुम मेरी मां, और अगर मां थी तो फिर बताइए तुम उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे, जब मेरा अपमान करके मुझे गुरु द्रोणाचार्य ने बैठा दिया कि क्षत्रिय और शूद्र का कभी मुकाबला नहीं हुआ करता, उसके लिए या तो राजा हो, अगर शूद्र भी हो तो राजा हो तब तुम क्षत्रिय के साथ में युद्ध कर सकते हो। तो मेरे मित्र दुर्योधन ने
उस अपमान को देखते हुए मुझे अंग देश का राज सौंप करके अपने बराबर में राजा बना करके बैठा लिया। आज उस दुर्योधन के कर्ज का ऋण तारने का वक्त आया तो तुम ये कह रही हो मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं। ये कर्ण बलि अपने शरीर से सांस छोड़ सकता लेकिन दुर्योधन का सांस नहीं साथ नहीं छोड़ सकता। किस तरह से क्या कहते बोला बहनों से भी अनुरोध है थोड़ा सा बैठी रहें। हां अभी ना उठें, अगर उठना भी है जाना भी है तो रागनी जब खत्म हो चिंता ना करें, भंडारे के लिए भी जाएं तो तब भी जाएं जब रागनी खत्म हो जाए, क्योंकि बीच में अगर श्रोता दो चार लोग भी उठते हैं तो दस लोगों का ध्यान उधर जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है निवेदन है अपनी माता बहनों से भी अपने भाइयों से भी कि रागनी के बीच में खड़े ना हो, पहले खड़े हो लेना चाहे रागनी खत्म होने के बाद में खड़े हो लेना कोई दिक्कत नहीं। कैसे बोला हाँ मावण के तुड़वावण आई, मावण के तुड़वावण आई, बेल मेरे बचपन का झूठे आंसू, अरे झूठे आंसू कार्ड बना रही क्यों पागल आज करने का है। सुन मर के भी दिखे मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन का हो, उतरे दुर्योधन का। हाँ मिल के दबा करण वालों की, मिल के दबा करण वालों की, पर का मैं हुशा पड़ भी मतलब कारण देखे कारी आज कर की याद आई कि कर्ण के पास में गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण हैं, तो कुंती कहने लगती है कर्ण अगर तू मुझे अपनी मां स्वीकार नहीं करता, पांचों पांडवों को अपने भाई नहीं मानता, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, तो मैंने सुना कि तू बहुत बड़ा दानवीर है, तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। तो कर्ण ने कह दिया कि अगर दान के रूप की अगर दान के रूप में कुछ भी चाहिए वो कर्ण के द्वार से मिलेगा जो कर्ण के पास में मौजूद है, अगर कर्ण की जान भी चाहिए तो वो भी मिलेगी दान में, दान के लिए मैं इनकार नहीं कर सकता, बताइए क्या चाहती हो। तो महारानी कुंती ने कहा कि बेटे तेरे पास में तेरे गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण हैं, बेटे उन पांचों बाणों को मुझे दान में दे दे। तो कर्ण ने देर नहीं की, वो पांचों बाण महारानी कुंती को दान में दे दिए और कह दिया कि ये पांच बाण तो आप लीजिए लेकिन एक बात सुन लीजिए, असली मतलब आपने मुझसे अब खोला है, सच्चाई ये है कि तुम इन पांचों बाणों को लेने के लिए ही मेरे पास में आई, ये मां और बेटे का तो आप मुझे वास्ता दे रही थी, और चौथी कली के माध्यम से क्या कहते बोला मुझे वो बाण मांगने आई है, वो बाण मांगने आई है। जब छह बेटे हैं तेरे पांच के, छह बेटे हैं तेरे पांच के, प्राण मांगने आई है बाणों का, इन बाणों का तो नामकरण के